जहां जहां रोजगार का मौका था इन्होंने खत्म कर दिया। नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था पीएसयू से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े बड़े पीएसयू बनाए ताकि जनता को रोजगार मिले, आज वो पीएसयू बिक गए हैं, निजी बन गए हैं। उसमें ना आरक्षण मिलेगा और ना रोजगार मिलेगा। आपको खेती किसानी से रोजगार मिलते थे और पूरे देश भर में किसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो बेचारा कमा नहीं पा रहा है। डीजल में जीएसटी, पेट्रोल में जीएसटी, खाद महंगी, सब चीज महंगा, गुजारा नहीं हो रहा किसानों का। और तीसरी जगह जहां से रोजगार बनते थे, छोटे छोटे उद्योग, जैसे आप दुकान, छोटी राशन की दुकानें, छोटे उद्योग जो हर जगह, हर जिले में, हर छोटे छोटे शहर में होते थे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, वो भी बंद हो रहे हैं सारे। तो रोजगार देंगे कहां से ये लोग? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी भलाई में। ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपत्ति इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को मिल जाए ताकि उनके जरिए उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाव पे वो पैसे फेंक फेंक के चुनाव जीत सके। ये उनका मकसद है, सत्ता में रहना। और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है, तो वो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता।